नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो भी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हम आपके बीच तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने केंद्र व राज्य सरकारों से की हैं तीन बड़ी अपीलें। आखिर क्या कुछ तीन बड़ी अपीलें की हैं, हम आपको समझाएंगे। साथ ही साथ BSP सुप्रीमो मायावती ने इस कोरोना महामारी से जूझ रहे भारत देश के साथ जो भी देश खड़े हुए थे उनका धन्यवाद किया है, किस तरीके से किया है वो भी बताएंगे। और साथ ही साथ BSP सुप्रीमो मायावती ने भारत देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व राज्य सरकारों को बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी सलाहें दी हैं। और आज की क्या कुछ है बड़ी खबरें, सब कुछ अब बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। जैसा कि आप सभी को बताइए, आज 2 मई है और आज 2 मई है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतगणना चलेगी। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी, यानी कि जो भी मत डाले थे आप सभी ने उत्तर प्रदेश में, जो भी मत जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के चुनाव हुए थे आज उनकी मतगणना होनी है। और आज ही जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे, कहां से कौन जीता और कौन सी ग्राम पंचायत का कौन सा ग्राम प्रधान है, सब कुछ 2 मई को यानी कि आज आपके बीच आ जाएगा। तो साथियों, अगर उत्तर प्रदेश से हो तो आप अपनी कमेंट में राय देना आपके यहाँ किस तरीके से कोरोना COVID-19 जैसी जो प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। वैसे मतगणना पर भी आपत्ति जताई गई थी कि मतगणना ना हो, क्योंकि अगर मतगणना होने के बाद जिस तरीके से कोविड-19 जैसी महामारी का ब्लास्ट होगा, लगातार तमाम केसेस आएंगे मतगणना होने के बाद, तो साथ ही इसीलिए आपत्ति जताई गई थी। मतगणना को रोकने का फैसला भी लिया गया था, पर नहीं, मतगणना आज हो रही है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। आप ये वीडियो 6 बजे देख रहे हो, ठीक दो घंटे बाद मतगणना शुरू हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। तो साथ अगली खबर की ओर रुक कर लेते हैं। अगली खबर ये है कि BSP सुप्रीमो मायावती ने, जैसा कि आप सभी को पता, केंद्र सरकारों राज्य सरकारों द्वारा ये फैसला लिया गया था कि 18 वर्ष से ऊपर जो व्यक्ति हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो साथ ही इस फैसले को देखते हुए BSP सुप्रीमो मायावती ने धड़ाधड़ कल 1 मई को 3 ट्वीट्स किए और 3 ट्वीट्स में अलग अलग बातें रखी। एक ट्वीट था जो कि केंद्र सरकार ने जो फैसले लिए हैं उस पर मांगे भी की पहले ट्वीट में, और दूसरे ट्वीट में जो भी देश खड़े हुए थे उनको धन्यवाद व्यक्त किया, और तीसरे ट्वीट में राज्यवा उनको सलाह भी दी किस तरीके से आपको हैंडल करना है, मिलजुल कर एक सलाह दी। तो हम आपको समझाते हैं, उनके ट्वीट को पढ़कर सुनाते हैं आखिर किस तरीके से BSP सुप्रीमो मायावती ने अपील की केंद्र व राज्य सरकारों से, आखिर क्या कुछ सलाहें दी। आइए हम आपको BSP सुप्रीमो मायावती के ट्वीट पढ़कर सुनाते हैं। जैसा कि हम आपको BSP सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा किए गए ट्वीट को पढ़कर सुना रहे हैं। देश में 18 से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के आज से प्रारंभ हुए कार्यक्रम को सभी सरकारें दलगत राजनीति एवं स्वार्थ आदि से ऊपर उठकर पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ सफल बनाने के लिए आपसी सहयोग हेतु खुलकर सामने आए। देश व आम जन की अपेक्षा इस कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम में देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को भी कभी काफ़ी बढ़ चढ़कर जरूरी भाग लेना चाहिए तथा उसी प्रकार उदारता के साथ इनको केंद्र व राज्य सरकारों की मदद करनी चाहिए, जिस प्रकार वे चुनावी बांड आदि के माध्यम से पार्टियों को फंडिंग करते रहे हैं। साथ ही देश में कोरोना प्रकोप की बेकाबू होती जा रही स्थिति के फलस्वरूप भारत की नीतिगत परिवर्तन करते हुए वर्षों बाद विदेश से अनुदान व मेडिकल सप्लाई आज लेने क्रम में जो भी देश भारत की मदद को आगे आ रहे हैं वह सराहनीय है, शायद इससे देश के हालत थोड़े बेहतर होंगे। ये साथियों BSP सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा की गई बड़ी बातें हैं, जो BSP सुप्रीमो मायावती जी ने 1 मई को ट्वीट करते हुए ये सब बड़ी बातें बोली हैं। BSP सुप्रीमो मायावती ने जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को जो वैक्सीन लगाई जा रही है उस पर भी बड़ी बातें बोली हैं। जो धन्ना सेठ हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनसे भी अपील की है वो सरकार की मदद करें, जिस तरीके से वो चुनाव में मदद करते आए हैं सरकार की, उसी तरीके से आम जनता की मदद करें, सरकार की मदद करें। और जो मेडिकल सप्लाई जो बाहर विदेशों से आ रही है
और जो भारत देश की मदद करने के लिए देश आगे आ रहे हैं वो सराहनीय है। बीएसपी सुप्रीम मायावती जी ने इन सभी बातों पर बड़ी बड़ी चर्चा की है। आप अपनी कमेंट में राय देना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो बी मिशन टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके बीच बहुजन समाज की प्रमुखता से खबर रखता है, निष्पक्ष तरीके से खबर रखता है। तो आपका भी फर्ज बनता है बी मिशन टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। मैं विशाल कुमार, फिर मिलता हूँ बड़ी खबर, बड़ी जानकारी।